अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो अरे भाई, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हो? बच्चे जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, माशाल्लाह बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाल्लाह आपने जितना दिए तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी तालीम हासिल करिए, माशाल्लाह आलिम बनिए, कारी बनिए, मुफ्ती बनिए, और जो हर एक जगह जाके मस्जिद में बड़े हुए बाद मस्जिद में तालीम देंगे, माशाल्लाह जब तक वो तालीम दिए आपको इसका इसाले सवाब मिलते रहेंगे। आप उनके लिए मदद करना चाहिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जैसा भी चाहे, अमृतसर में आप आकर रहते तो मस्जिद में आटे की बोरी या सब्जी आप जो चाहे वो दे सकते, और बाहर के जितने भी लोग हैं हमारे, तो उनसे भी मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है। कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारे, जो कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे हम इसमें, तो बने रहे हमारे साथ, पूरी मुकम्मल जानकारी इसमें, और फ़ोन करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो इमाम साहब के 3 इमाम साहब के नंबर है उसमें, उस पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ अभी मस्जिद को ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए जो भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। अरे भाई, काफ़ी लोग बाबा को और वगैरह पता नहीं को कैसे कैसे बाबा को पेमेंट करते हैं, वो बताओ आप। तो मैं तो बड़ा भाई, जो हक की जो जिसको ज़रूरत है उसी के लिए देना चाहिए। और बहुत से बाबा है फालतू लोगों को आप पैसे देते हैं, वो दारू में या गांजे में काय में भी पैसे उड़ाते हैं, या शराब पीने वालों को देते हैं। बहुत से हमारे साथ अभी हो चुका है ये, अभी वो भी बात ओपन करेंगे हम। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन बाबाओं से बचो, और जहाँ सही जगह है जो गरीब की बेटी की शादी कराओ, यतीम बच्चे को पढ़ाओ, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, अपने पड़ोसी का ध्यान रखो, पड़ोसी के घर में खाना खाया या नहीं खाया उसका ध्यान रखो। अपन अच्छे से अच्छी चीज़ खाते हैं, पड़ोसी का घर में कुछ नहीं है तो अपना कुछ काम नहीं है, कुछ काम की इबादत नहीं है और कुछ काम का कुछ नहीं। मेरी यही बोलने का रिक्वेस्ट है भाई, क्या मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसी जगह पैसा खर्च करो कि अपनी आखिरत भी बने और अपने कब्र का भी रोशन हो। माशाल्लाह अपन इस तरीके के पैसे खर्चा करते कि अपनी आखिरत भी कमा देते और कब्र भी में भी नुकसान। ठीक है।